मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से बी निकालना है, लेकिन एप्लीकेशन नंबर टू है ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड। एक सोलेनोइड लंबा होता है, अगर आप उसको सर्कल की फॉर्म में बना दें तो वो टोरॉइडल सोलेनोइड होता है। तो ये चेक करें, ये एक टोरॉइडल सोलेनोइड है, ऐसे गोल घूम रहा है। आपको इसके एक्सिस के ऊपर बी निकालना है। तो इसका एक्सिस का मतलब है, ये मान लो इसका एक्सिस है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये इसका एक्सिस है जिसके ऊपर आपको बी निकालना है, और जहां आपने बी निकालना है टेक अ क्लोज्ड पाथ। तो बनाओ फिगर में, मिसिंग है तो बनाओ इस फिगर में, क्लोज्ड पाथ बनाओ। तो इस डायग्राम में एक क्लोज्ड पाथ बनाओ, ये रहा क्लोज्ड पाथ, ठीक है यहां तक। इस क्लोज्ड पाथ का रेडियस स्मॉल आर ले लो, इसे स्मॉल आर कर लो, कैपिटल आर की जगह मैं डेरिवेशन में स्मॉल आर यूज किया है। तो इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, तो आपने स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक्सिस के ऊपर बी निकालना है। अब इसके अंदर भी जो एक्सिस है उसमें जो बी है वो कैसा होगा, वो टेंजेंशियल होगा। ये देखो एक वेक्टर टेंजेंशियल है, जैसे सोलेनोइड में भी एक्सिस के ऊपर बी निकालना है, तो ये एक्सिस के ऊपर बी निकालना है। और बी के डायरेक्शन में ही इमेजिन करो आपने डीएल वेक्टर ले लिया, तो बी और डीएल में एंगल क्या बन गया, जीरो। एम्पियर सर्कल लॉ ने क्या कहा था कि जहां आप बी निकालना चाहते हैं, मैंने कहा जी मैं तो यहां बी निकालना चाहता हूं, उसने कहा फिर इस पॉइंट के बीच में से क्लोज पाथ जरूर पास कर लेना। तो जब मैंने कहा मैं तो बी इसके एक्सिस पर निकालना चाहता हूं, तो उसने कहा सारे पॉइंट एक्सिस के ज्वाइन कर लो, एक सर्कल बन जाएगा। तो और इस सर्कल का इसका क्या निकलेगा, बी डॉट डीएल। इसका बी डॉट डीएल निकाल लें इस क्लोज पाथ का। इसके अंदर भी एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो जब आप बी डॉट डीएल निकालेंगे क्लोज पाथ का, बी और डीएल में एंगल जीरो बनेगा, तो बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बनेगा, वो जो क्लोज्ड पाथ है उसका रेडियस छोटा आर था, तो डीएल 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 मिला के उसकी लेंथ क्या बन जाएगी, 2πr हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्लियर है, बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू 2πr, कोई डाउट इसमें। अब आता है एम्पियर सर्कल लॉ, वो कहता है जी ऐसा करने की जरूरत क्या थी, मेरे से पूछ लो, म्यू नॉट इंटू आई। तो कहता है बी डॉट डीएल की वैल्यू कैसे निकलेगी, म्यू नॉट इंटू आई, लेकिन ये भी बता दो कि आपका करंट कितनी बार घूमा, और ऑब्वियसली इसमें घूमा, तो आपकी लेंथ कितनी है पूरे क्लोज पाथ की, 2πr छोटा आर। उस 2πr छोटा आर में एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2πr, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये आपके पास बी डॉट डीएल आ गया इंटीग्रेशन से, ये आपके पास म्यू नॉट इनटू टोटल करंट आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर लें, 2πr से 2πr कैंसिल आ गया, आंसर आ गया। तो टोरॉइडल सोलेनोइड का फॉर्मूला नोट करें बुकलेट में, फॉर्मूला रजिस्टर में, टोरॉइडल सोलेनोइड का बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। कहने का मतलब सेम है ना, क्योंकि सोलेनोइड का भी सेम केस है, टोरॉइडल सोलेनोइड का भी तो सेम ही केस है। इसके ऊपर फॉर्मूला रजिस्टर में एक पॉइंट नोट करें, देखो आपको जो क्वेश्चन है ना उसमें नॉर्मली ऐसा गिवन होगा कि आपके पास एक टोरॉइडल सोलेनोइड है, ये देखो इसके ऊपर आप वायर को लपेट दें, ये एक टोरॉइडल सोलेनोइड है, ठीक है ऐसे है। अब आपसे वो ये पूछेगा इसके एक्सिस के ऊपर बी निकालें, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू नॉट एन आई लगा लेंगे, आपको म्यू नॉट की वैल्यू तो पता है, करंट वो आपको दे देगा, आई करंट आपको देगा, आपको सिर्फ क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सही है। तो आप क्या करेंगे, म्यू नॉट, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई कर देंगे, ये ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स वो आपको क्वेश्चन में देगा, मान लो 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, ये देगा, आई भी देगा, ये भी देगा, आपको क्या चाहिए होगी, लेंथ। लेंथ में क्या लिया जाएगा, लेंथ में लिया जाएगा, लेंथ में क्या सिखाया अभी डेरिवेशन में, ये एक्सिस देख रहे हो जहां आपने एक्सिस के ऊपर बी निकाला, लेंथ में आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस आर, ऐसी चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करें, म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई डिवाइडेड बाय 2πr स्मॉलर, सही है। एंड में ट्विस्ट है, स्मॉलर नहीं देगा, स्मॉलर नहीं देगा,
स्मॉल आर की जगह कहेगा कि आप मेरे से इसका आउटर रेडियस ले लो एंड इसका इनर रेडियस ले लो जिसके ऊपर वायर को लपेटा जा रहा है। तो आउटर रेडियस आर टू है, इनर रेडियस आर वन है। पर आप कहोगे मेरे को तो एक्सिस का फॉर्मूला आता है, मैं आर वन आर टू क्या करूँगा, मेरे को स्मॉल आर दो। तो फिर एक शॉर्टकट नोट करो, स्मॉल आर आपको इसका एवरेज से निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पुट होगा, ये शॉर्टकट में नोट कर लो। तो स्मॉल आर ऐसे निकलेगा,